हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयूष संदीप गौतम। आज हम स्क्रैच में एक नई चीज सीखने वाले हैं, लेकिन अगर आपने मेरा पहला वीडियो स्टेज का नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ, लिंक और इस सीरीज का भी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। स्क्रैच आप स्टार्टिंग से 1-2 ये थर्ड वीडियो है, तो बाकी दो वीडियोस भी आप लोग वहां पे देख सकते हैं। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने स्टेज के बारे में देखा था। फिर स्टेज दिखाओ क्या, ये रहा हमारा स्टेज। आज हम लोग स्टेज को कोड पैनल दिखाओगे। पीयू, आप कोड पैनल यहाँ पे देखो, ये है कोड पैनल, राइट? यस। आज हम लोग स्टेज को कोड से जोड़ेंगे। हाँ। आज हम लोग कुछ एक्शन करेंगे, आज हम लोग कुछ फन करेंगे। तो आज से स्क्रैच और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और भी मजा आने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक स्प्राइट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बस ऐड करते हैं। आज हम लोग बस को घुमाएंगे, स्कूल बस, क्या बोलते हो? तो एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम लोग, बैक करेंगे, आप बैक करेंगे वहाँ पे। हाँ, अभी आप स्टेप बाय स्टेप बताओ कि हम लोग स्प्राइट कैसे ऐड करते हैं। सबसे अगर हमें स्प्राइट ऐड करना है तो हमें इधर एक ऑप्शन दिखेगा कैट जैसा, और इधर हमें चूज द स्प्राइट, तो हमें इस पर क्लिक करना है। फिर हम लोग स्प्राइट यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। कहाँ से सर्च कर सकते हैं? इधर हमें पैनल दिया हुआ है। यस, तो मैं इधर सर्च करूंगी बस। तो हमारे गई सिटी बस, स्क्रैच टू सिटी बस। यस, हम लोग बस सेलेक्ट करेंगे। बस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अरे बिचारी बस ने कैट को कवर कर दिया। ये बस यहाँ पे आ गए। हम लोग कैट को डिलीट कैसे करेंगे? हम कैट के इधर जो इधर पैनल बनाए स्प्राइट्स का, उसमें हम कैट को क्लिक कर डिलीट का ऑप्शन इधर आएंगे और इसे क्लिक कर। वेरी गुड, हम लोग अभी कैट को डिलीट कर देते हैं और बस को यहाँ पे रख देते हैं, राइट? अभी हम लोग लास्ट टाइम हमने देखा था स्टेज में ये बस की पोजीशन यहाँ पे अलग अलग दिखाई देती है, राइट? जैसे एक्स में -89 है, मतलब पीछे है, और वाई में ये 0 पे है, राइट? अब हम लोग कोडिंग करेंगे, राइट? यू हम लोग कोडिंग करेंगे। कोडिंग कहाँ से करते हैं हम लोग? कोड पैनल से। आप दिखाओ कि कोड पैनल कहाँ पे है। ये रहा कोड पैनल। यहाँ पे बहुत सारे ये क्या है, एक्शंस है। आप स्क्रॉल करके दिखाओगे, बहुत सारे अलग अलग एक्शंस दिखाओगे आप स्क्रॉल करके। दिखाती हूँ आपको गाइस। अरे कहाँ मेरा है रूम? यहाँ पे देखिए, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है, राइट? और हम लोग धीरे धीरे करके सारे ऑप्शंस हम लोग सीखेंगे। तो पहला ऑप्शन जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है इवेंट्स में ये वेन फ्लैग क्लिक्ड वाला। हाँ। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वेन फ्लैग क्लिक्ड। आप इधर भी क्लिक कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड इम्पोर्टेंट क्यों होता है। हमारा है ना, क्या होता है जब हम हमारा नॉर्मल यूज करते हैं तो कभी कभी हमारा वो चलता नहीं है मोस्ट टाइम्स। तो हमारा जो व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड हम डालते हैं तो हमारा कोड स्टार्ट होता है, राइट? व्हेन फ्लैग क्लिक को आप एक बटन की तरह समझिए। जैसे यूट्यूब में वीडियो प्ले करने के लिए आप क्या करते हो? प्ले बटन पे या वीडियो पे क्लिक करते हो तो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाता है, राइट? हाँ, तो वैसे ही हमारा कोड, वैसे ही हमारे कोड को अगर हमें चलाना है तो हम लोग इस फ्लैग पे क्लिक करते हैं। आप दिखाओगे फ्लैग को? ये रहा हमारा ग्रीन फ्लैग। इस फ्लैग पे आप क्लिक, लेकिन हम ऐसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ होने नहीं वाला गाइस। हमें नीचे कुछ मोशन, लुक्स और सब डालना होगा, करेक्ट? तो हमें कुछ एक्शंस ऐड करने होंगे। तो हम लोग कोई एक्शन ऐड करें मोशन में जाके। मोशन में कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ, जैसे ऐसे लगे कि ये बस नहीं है। यस, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस मोशन का आज इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल सा मोशन है। हम लोग गो टू रैंडम पोजीशन वाला मोशन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टेज यहाँ पे कोडिंग एरिया में। हाँ, उसको टच मत करो, पहले हम लोग इसे नीचे ला लेते हैं। नीचे उसको ला लो। हाँ, अभी अगर आप फ्लैग पे क्लिक करोगे तो देखो क्या होता है। वहां नहीं, ऊपर, यहाँ क्लिक करो। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है बस के साथ, राइट? क्योंकि हमने हमारे एक्शन को, मोशन को फ्लैग से जोड़ा ही नहीं है। हाँ। तो उसको कैसे जोड़ेंगे? हम ऐसे उसे पजल की तरह जोड़ देंगे। अब हमारा, और गाइस देखो, अभी मैं ऐसे करूंगी, इसे अच्छे से टाइट कर दूंगी, ओके? और अभी हम जितना भी हिलाए हमारा हिल लेने वाला बस ये, हमारा ये जो पूरा टाइट हो चुका है वो अभी दोनों जुड़ गए। अभी हम लोग फ्लैग पे जाके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखो क्या होगा। हमारी बस नीचे आ गई। तो हमारी बस अभी क्या हो रहा है, जैसे हम लोग फ्लैग पे क्लिक कर रहे हैं, ये जो कोड हम लोगों ने यहाँ पे जो एक्शन लिखा है यहाँ पे, राइट, वो क्या हो रहा है पीयू? एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? सो गाइस, यहाँ पे एक सेकंड क्या हो रहा है यहाँ पे? गो टू रैंडम पोजीशन। कौन सी एक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है? गो टू रैंडम पोजीशन। गाइस देखो, मेरी बस कैसे हवा में उड़ रही है। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि गो टू रैंडम पोजीशन का मतलब होता है आप बस को जैसे जैसे आप फ्लैग पे क्लिक करोगे आपकी बस रैंडम पोजीशन पे कहीं ना कहीं। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे हम लोग फ्लैग पे क्लिक कर रहे हैं, ये रैंडम पोजीशन पे जा रहा है, राइट? लेकिन देखिए, ये जो
एक्शन होता है, जो एक्शन हमने यहाँ पे मोशन में ऐड किया, इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं। हाँ, और जैसे कि देखो यहाँ ये रैंडम पोजीशन है, हम लोग इसको सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं माउस पॉइंटर। अब जैसे ही आप माउस पॉइंटर ले लोगे, माउस पॉइंटर लिया आपने, अभी आप जाके फ्लैग पे क्लिक करो, देखो क्या होता है। देखा आपने क्या हुआ? मतलब मैं समझी, माउस पॉइंटर मतलब जहां भी हमारा माउस का पॉइंटर होता है वह हमारे पास चली जाती है। करेक्ट, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो बस हमारे माउस के पास आ जा रही है, हमें मौका ही नहीं मिल रहा है कुछ करने के लिए, राइट? हाँ। एक काम करते हैं, हम लोग अभी एक काम करेंगे, बस को सेंटर में लेके आ जाओ यहाँ पे, और ये गो टू वाला जो माउस पॉइंटर वाला ऑप्शन है हम लोग उसको निकाल देते हैं, इसको डिलीट कर दो, राइट क्लिक करो, डिलीट ब्लॉक करो, ठीक है, और बस को सेंटर में लेके आ जाओ स्टेज में, डिलीट कर दो उसको, राइट क्लिक। वेरी गुड, अभी हम लोग यूज करेंगे ये वाला ऑप्शन, कौन सा? ग्लाइड रैंडम पोजीशन, ठीक है, ग्लाइड रैंडम पोजीशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा, मतलब ये एक सेकंड के लिए ग्लाइड होगा फिर रैंडम पोजीशन में आ जाएगा। करेक्ट, उसको यहाँ पे डाल दो अभी आप। हाँ, अभी देखो, अभी हम लोग जब फ्लैग पे क्लिक करते तो क्या होता है, देखो बस रैंडम पोजीशन पे क्या हो रही है, उड़कर जा रही है, ग्लाइड हो रही है, राइट? तो ग्लाइड की जगह हम लोग अभी माउस पॉइंटर यहाँ पे यूज करते हैं। यस, फिर अब हम लोग क्लिक करते हैं फ्लैग पे, अब देख रहे हो बस कैसे ग्लाइड होके माउस के पास जा रही है, लेकिन हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए पीयू, कि हमारी बस, हमारा जैसे मैंने यहाँ पे माउस पॉइंटर लाया है, मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अगर माउस पॉइंटर लाया तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बस यहाँ ग्लाइड हो गया है, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे मैं फ्लैग पे क्लिक कर रहा हूँ ये स्टेप होने लग रही है, हमको इस स्टेप के बीच में एक और स्टेप डालनी होगी ताकि वो प्रोग्राम हमारा जो है, वो जो स्टोरी है वो पॉज हो जाए। तो आप मुझे बताओ, आप ढूंढ सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसी एक्शन जो पॉज कर दे हमारे प्रोग्राम को? ढूंढोगे आप? ढूंढ के देखो कोई ऐसी एक्शन जिससे हम लोग हमारे प्रोग्राम को, हमारी स्टोरी को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे। पढ़ते जाओ, एक 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 मोशन को पढ़ते जाओ, आपको मिलेगा कुछ वहां पे जिससे हम हमारी स्टोरी को पॉज कर सकते हैं। नीचे जाते जाओ, प्ले साउंड, स्टार्ट साउंड, स्टॉप ऑल साउंड, सेट पिच, क्लियर साउंड इफेक्ट्स, चेंज वॉल्यूम बाय 10, चेंज बहुत कुछ है। इधर कोई ऑप्शन ऊपर चला गया, आप कंट्रोल्स पे जाओ, ये देखो वेट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, वेट वन सेकेंड, इसको उठा के ये फ्लैग के ऊपर डाल दो, नीचे डाल दो। तो बेसिकली हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग फ्लैग पे क्लिक करेंगे, आप वेट करो एक सेकंड को, चलो हम लोग 3 सेकंड कर दो, 3 सेकंड कर दो, राइट, फिर ग्लाइड को वहां पे लगा दो। अब क्या होगा, अभी अब जब हम फ्लैग पे बस को नीचे लेके, बस को वही रहने दो, चलेगा। अब जब हम लोग फ्लैग पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रोग्राम पहले 3 सेकंड वेट करेगा, फिर आएगा। हाँ, तब तक हम लोग हमारा माउस मूव कर देंगे, मूव कर दो, ये देखो अभी बस क्या कर रही है, आपके माउस को फॉलो कर रही है, राइट? अभी हम लोग क्लिक करेंगे, माउस कहीं पे भी लेके जाएंगे और बस हमारे माउस को फॉलो करेगा। so और खेलते हैं, चलो इसके साथ। गाइस, अभी मैं बस को आगे लेकर जाऊंगी, मेरी बस को। हाँ, तो अभी क्लिक करो, 3 सेकंड वेट करती है बस, फिर मूव करती है। तो अभी हम लोग हमारी बस को कंट्रोल कर रहे हैं हमारे माउस से, उसको कहीं पे भी लेके जा रहे हैं, राइट? क्योंकि हमने बीच में हमारे प्रोग्राम को, हमारी स्टोरी को 3 सेकंड के लिए वेट करने के लिए बोल दिया है, राइट? इस तरीके से आप अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज बना सकते हो, राइट? तो हमने क्या देखा कि हमने स्टेज को आज हम लोगों ने मोशन पैनल से, मतलब कोड पैनल से कनेक्ट किया, राइट? थोड़ा सा एक क्विक हम लोग रिविजन कर लेते हैं, राइट? यस। तो इसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टाइमिंग्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे हम लोग वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, अगर आपको कोई भी स्प्राइट है, कोई भी कैरेक्टर को इस तरीके से स्टोरी बनानी है जिसे हम लोग बनाया, तो स्टेज पे आपको उस कैरेक्टर को पहले लाना पड़ेगा, राइट? और फिर जनरली हम लोग सारे प्रोग्राम इसी तरीके से लिखते हैं, व्हेन फ्लैग क्लिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जब प्ले बटन पे क्लिक करें उसके बाद ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली व्हेन फ्लैग क्लिक को पहले ड्रॉप करते हैं और फिर हम लोग जो भी सारे एक्शंस हम लोगों को लेने हैं हम लोग वो लेते हैं। जैसे ग्लाइड हो गया, यहाँ पे बहुत सारे मोशन दिए हुए और हम लोग धीरे धीरे करके ये सारे मोशन आने वाले वीडियोज में सीखेंगे। मजा आया पियो आपको बस को मूव करने में? तो चलिए वीडियो कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और नई स्टोरी लेकर आएंगे हम लोग। सो गाइस, आई होप आपको इस काज का नया वीडियो अच्छा लगा जिसमें हमारी बस हमारे माउस को फॉलो करती रहती है।
सो गाइस ये वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं तो इस टाइम टारगेट कर रही हूँ लाइक्स का 2 लाख लाइक्स, क्योंकि हमने इतना सब सिखाया, इतनी मेहनत की है, तो 2 लाख लाइक्स तो बनते ही है। सो गाइस अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ ये वीडियो शेयर करना, वो भी कोडिंग करेंगे फिर बड़े होकर कोडर बन जाएंगे। इस कोडिंग बहुत फन है, और इस वीडियो को आप फॉलो करें, और इसमें जो कुछ भी हम लोग इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं आपसे प्रैक्टिस करें, तो आप भी एक अच्छे कोडर बन सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग प्रोग्रामर भी बन सकते हैं, कोडर प्रोग्रामर सेम होता है। सो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जहाँ पर और फन चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय।